अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिन बाद जो है वो मैं व्लॉग अपलोड करने लगी थी। तो मैं यहाँ पे जब पहुँची थी, मतलब स्टोरी एक टाइप की मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जब मैं यहाँ पे मदीने में पहुँची हूँ, तो मैं रेस्ट वगैरह करने के बाद जो है वो शाम को यहाँ पे आई हूँ मदीना के अंदर, मतलब हरम के अंदर। हरम में मैं अभी आई हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं गेट वगैरह देख रही थी कोई किस गेट से एंटर होना है, मतलब पहली नज़र जब मेरी उस पर पड़नी है गुंबद के ऊपर, तो मैं किस तरह रिएक्ट करूँगी, कौन कौन सी दुआएं मांगूंगी, सारा टाइम यही सोच रही थी। तो अपने रूम में पहुँच के मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। तो अभी जो है वो मैं ये शायद दूसरी तरफ से गेट से एंटर हुई हूँ, मैं अपना वही ढूंढ रही हूँ कि भाई मैंने किस तरफ जाना है। तो अभी ये जो है मेरे ख्याल से वो वाली साइड है, मतलब हरम काफ़ी बड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा गेट लगते हैं। तो यहाँ पे एंटर हो गए बंदे को समझ नहीं लगती कि भाई उसने किस वाले गेट से जाना है और सामने गुंबद होगा, किस वाले गेट से जाना तो सामने गुंबद होगा। तो यही चीज़ जो उनसे है ना वो देखनी होती है। तो अभी तो ये कोई मेरे ख्याल से ईशा का टाइम हो गया, हाँ ईशा का टाइम होने वाला है, तो जो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये जो एरिया, यहाँ से जो है मेरा होटल है मस्जिद बिलाल की तरफ, मस्जिद बिलाल जो है वहाँ से, तो उसकी बैक साइड पे थोड़ा सा वहाँ से यहाँ हरम आने में तकरीबन 10 मिनट लगते थे मुझे। और यहाँ पे मतलब जो है मुझे यहाँ पे जो थे इस टाइम पे भी वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की हवा टाइप भी चल रही थी, तो मतलब मेरे होते हुए तो बारिश वगैरह नहीं हुई। तो खैर यहाँ पर आई हूँ मैं बिल्कुल सामने आके, इतना सुकून था यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा सुकून था। तो ये जोन से यहाँ पे उन्होंने खाली किया हुआ था, यहाँ से लोग जोन से वो उसके अंदर जो आ रहे थे, उसको क्या कहते हैं, रियाजुल जन्ना कहते हैं, सब लोग जा रहे थे। अब मेरे यहाँ पे रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आप लोगों को जो है वो परमिट चाहिए होता है, परमिट जब आप दिखाते हो तो फिर आप रियाजुल जन्ना के अंदर जा सकते हो। तो अभी जोन है मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले ही अपना जो है वो परमिट बनाया था, तो परमिट जो है मुझे वो 2-3 दिन बाद का मिला था। तो 3 दिन बाद जो है वो मैं रियाजुल जन्ना में अपना परमिट दिखा के जाऊंगी, और परमिट एक बार में एक बार ही बनता है सिर्फ। जब आपका परमिट बनता है तो आप जो है वो रियाजुल जन्ना के जो अंदर जा सकते हो, बाहर वाली साइड से भी आप एक देख सकते हो, लेकिन जो अंदर एग्जैक्ट गुंबद के नीचे जाते हैं वो आपने परमिट ऐप बनाते हैं, वो उसके ऊपर आपने वो शो करवाना तो जाते हैं। जब मैं जाऊँगी जब, तो मैं आप लोगों को अपना परमिट भी दिखाऊंगी और ऐप भी दिखाऊंगी, मतलब किस वाले ऐप के ऊपर आपने जो उसको बनाना होता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी देर तक लोग लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, गुंबद के सामने बैठ के जो है वो दुआएं वगैरह भी करते रहते हैं। तो अभी मैंने यहाँ नमाज वगैरह पढ़ ली थी, सो मैं वापस आई थी अपने होटल के ना, तो ऐसे सब लोगों को पता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थे, पाकिस्तान की थी लेडी, तो मैंने इनसे पूछा था पहले कि भाई मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं ये अपने व्लॉग में डाल लूँ, सो शी सर इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मैं भी वायरल हो जाऊँगी। ये आइसक्रीम थी, कैन यू इमेजिन के 5 रियाल की आइसक्रीम थी, मतलब सिर्फ इतनी सी 5 रियाल की, लाइक समथिंग लाइक 400 रुपीज़। मैं कहा चलो खैर है भाई, ले लेते हैं, खा लेते हैं, अब खानी तो है ही है। तो मैंने इसको आइसक्रीम के लिए और उसके बाद दोबारा से जो है मैं अपने रूम में आ गई, और ये मेरा मदीना का रूम था। यहाँ पे मैं और एक और लड़की थी रह रही, उसकी वो शादी मैरिड थी वो, तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपने रूम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने आके सारी चादर वगैरह भी चेंज कराई सारा कुछ, और यहाँ पे बैठी हुई थी, वेट कर रही थी बाबा से फ़ोन पर बात करूँगी। सो ये 2-3 बेड थे जो सारे के सारे मैंने लिए थे, कि ये वाला एक, सामने वाला एक, मतलब फर्स्ट 3 वाले, एक पे बेचारी पे वो लेटी हुई थी। तो अभी जो है वो मैं दोबारा गई हूँ वापस हरम, बाहर गई हूँ दोबारा जाके कुछ खाने वगैरह के लिए देखने के लिए गई हूँ, तो ऐसे मुझे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं कुछ खाऊं पीऊँ। मैंने फिर दोबारा से आइसक्रीम ले ली ये वाली, क्योंकि मेरी जो सिस्टर, उसकी शादी हुई है वो सऊदीया रहती थी, तो ये वाली ना आइसक्रीम की वो स्नैप भेजती होती थी। मैंने कहा तो बच्चों मैं भी आइसक्रीम खा के रहूँगी, ये आइसक्रीम मैं भी खा के रहूँगी। तो फाइनली मैंने ये वाली आइसक्रीम ली, और ये आइसक्रीम लेके खा के मैं दोबारा जो है वो वहाँ पर वापस आ गई। यहाँ पर ये कोई फजर का टाइम था, रात को जाके मैं सो गई थी, फजर का टाइम था ये, और मैं यहाँ पे फजर पढ़ने के लिए आई थी कापी के साथ। तो यहाँ पे जो है वो अभी तहज्जुद पढ़ रहे थे सब लोग, तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर फजर हो गया और फजर की नमाज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अभी फजर मैं पढ़ के जो है वो लेट गई थी, फजर पढ़ के मैं यहाँ पे लेटी, मुझे पता ही नहीं चला मैं सो गई, और मैं वही फील, जैसे ही मैं उठी ना तो मेरे माइंड में वही बात थी कि वो कहते हैं ना कि कभी हमारा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, तो एग्जैक्टली वही फीलिंग्स आ रही थी मुझे। इतना प्यारा वेदर भी हो रहा था और सीन ऐसा क्रिएट हो रहा था कि लाइक बारिश होने वाली है, ऐसा फील हो रहा था कि मदीने के अंदर ना। तो अभी जो है वो मैं
यहाँ से उठूंगी और जो है रियाजुल जन्ना के बाहर वाला एरिया उस वहाँ पे जाऊँगी, उधर जाके होके तो उसके बाद जोन से मैं वो वापस जाऊँगी। तो पहले वहाँ से हम लोगों को लग गया टाइम, क्योंकि हम लोगों ने जाना था ज्यारतों पे। तो हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग अभी ऐसे ही नमाज़ पढ़ते हैं, चले जाते हैं। वापस आ गई थी और वहाँ से नमाज़ पढ़ के हम लोग फ़ौरन जोन से वो इस साइड को आ गई थी। यहाँ से भी हम लोगों ने आज मदीने की ज्यारतें वगैरह वो करने जानी। यहाँ से भी हम लोग निकले हैं बाहर और ये गाड़ी है, जैसे मैं मक्के की ज़ियारतों के लिए गई थी, सारी वहाँ पे गाड़ियाँ थी और ना वहाँ पे सारा कुछ, मतलब बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसा, जिन्होंने भी 10-10 रियाल लिए थे और जो है वो सारी ज़ियारतें वगैरह जो उनसे उसके ऊपर ये लोग जो है वो लेके जा रहे हैं। गेट नंबर 365 के बाहर निकलने के साथ ही बिल्डिंग के दरमियान अंदर एक छोटी सी मस्जिद, सफेद कलर की मस्जिद है, मस्जिद इमाम बुखारी, जहाँ पे बुखारी शरीफ लिखी गई थी, वहाँ पे की नमाजें पढ़ाई थी। गेट नंबर 309 के बिल्कुल ही बाहर है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग नमाज के बाद भी वहाँ पर उनकी ज्यारत कर सकते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, थोड़ा सा बात होनी चाहिए। तो गेट नंबर बता रहा हूँ, गेट नंबर 335 के बाहर मस्जिद है, मस्जिद इजाबा, जिसे कबूलियत वाली मस्जिद भी कहा जाता है, सजदे वाली मस्जिद भी कहा जाता है, जहाँ पे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए सजदे में 3 दुआएं की थी, जिसमें से 2 दुआएं कबूल हुई और एक दुआ अल्लाह पाक ने अपने हाथ में फूल फरमा ली थी। पहली दुआ ये की, या अल्लाह मेरी उम्मत की पहले की उम्मत की तरह शक्ल न बिगाड़ना, क्योंकि पहले के लोग गुनाह करते करते तो शक्ल बिगड़ जाती थी। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। दूसरी दुआ ये की, या अल्लाह मेरी उम्मत को भूखा ना मारना, फाके में ना मारना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2 से 3 टाइम का खाना खाकर सोते हैं, अल्लाह पाक ने ये दुआ भी कबूल फरमाई। तीसरी दुआ ये की, या अल्लाह मेरी उम्मत में फितना बढ़े ना हो, आज देखिए लड़े झगड़े ना हो, तो अल्लाह पाक ने दुआ जो है अपने आप में फूल फरमा ली थी। देखिए कि दुनिया में कितने फितने हैं, कितने फितने बढ़े थे, लड़े झगड़े फसाद आते हैं कितने। तो अल्लाह पाक बाकायदा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ममनू दखल का इतना पूरा बाग जो है हर सलमान फारसी का बाग वाला जगह, तो वही है, दरख्त वो नहीं रहे। और इस बाग के साथ आगे एक कुआं भी है, कुआं तो बंद किया हुआ, पानी नहीं है उसमें। बीर गर्स, जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने मदीना आए तो इस कुएं का पानी पिया, पानी बहुत कड़वा था, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबाब दान उस कुएं के अंदर डाला तो कुएं का पानी मीठा हो गया। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो मुझे इस कुएं के पानी से गुसल देना। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हजरत अली ने इस कुएं से 7 मशकीज़ें भरकर आपको मस्जिद नबवी में गुसल दिया। और जब इस मकाम पे आए, कुएं में आए, देखा तो कुएं का पानी खुश्क हो चुका था, वो इस इंतजार में था कि हमारे प्यारे नबी गुस्ल देने के इंतजार में था। वो बीर-ए-गर्स कुआं अभी भी मौजूद है, पर पानी सही नहीं है, खुश्क अभी बंद किया हुआ है, कुआं अभी भी मौजूद है, निशान है इसके भी। मस्जिद जुमा, जहां पे इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाया गया था, ये वाली नमाज से बस खुल दिया। और एकदम आप किसी तरफ बस आ गए, अभी बस वाला यहां पे मस्जिद कबा, यहाँ पे जाके आप लोग जो है वो 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़े। मस्जिद कबा के अंदर 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने का जो आपको सवाब है वो उम्रे के बराबर आपको यहाँ पे सवाब मिलता है, ठीक है। तो मैं थी यहाँ पे, मेरे साथ जो रूम की एक लड़की थी वो थी और उसकी एक फ्रेंड थी। तो यहाँ पे यह मस्जिद कबा इन्होंने काफ़ी बड़ी कर दी। मम्मा बताती होती हैं कि हम जब गए थे, मतलब आज से काफ़ी साल पहले, तब ये बहुत छोटी थी, तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करके बहुत बड़ी कर दी हुई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जून से तो वो वज़ू करना था यहाँ से जाके, और वज़ू करके उसके बाद जून से यहाँ से हम लोगों ने मस्जिद कबा के अंदर जाके नवाफिल 2 रकात नमाज अदा करनी थी, उसके बाद वापस अपनी अपनी गाड़ियों में आ जाना। व्हाइट कलर की सफेद की दीवार है, यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर का यहाँ पे घर था, जब यहाँ पे खंडक खोदने के दौरान जब यहाँ पे दावत की गई थी, इस जगह पर मौजा हुआ था हमारे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खाना तकसीम किया तो तकरीबन 1300 सहाबा का पेट भर कर खाना खाया था। इस जगह पे उनका घर था, और आगे थोड़ा आगे चल के इशारे के बाद देखेंगे आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद फतेह, वहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे खैमा हुआ था, उसके साथ नीचे एक मस्जिद और होगी, कबर नुमा मस्जिद होगी, हजरत सलमान फारसी की मस्जिद होगी,
कि देखिए आपके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड पे ऊपर ये पहाड़ी को छोटी मस्जिद है, मस्जिद फतह मस्जिद है, ये वाली कबर मस्जिद देखिए वाली, ये वाली हजरत सलमान फारसी की मस्जिद, ये बंद है सर मकाम, छोटे छोटे मकाम जितने सर के सब बंद है, ये वाली नीचे मस्जिद है हजरत सलमान फारसी की मस्जिद, यहाँ पे उनका खैमा था जिन्होंने खंडक खोलने का मशवरा दिया था, और ये बड़ी मस्जिद यहाँ पे दो खैमे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का खैमा था यहाँ पे और हजरत उस्मान गनी का खैमा था यहाँ पे, इस जगह वहाँ पे दोनों खैमे खत्म करके एक बड़ी मस्जिद बनाई गई है, और आपके सीधा पे देखिए सीधा राइट हैंड पे ये मस्जिद है हजरत उमर बिन खिताब की मस्जिद, ये वाली ये छोटी मस्जिद है, ये वाली हजरत उमर बिन खिताब की मस्जिद है, और आपके उल्टे हाथ में देखिए लेफ्ट हैंड पे देखिए ऊपर मस्जिद है वो वाली, और शेर खुदा हजरत अली की मस्जिद, वो ऊपर जो मस्जिद है हजरत अली की मस्जिद है ऊपर सामने वाली आपके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड पे, और नीचे ही इसी हाथ लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ पे नीचे देखिए और नीचे और जंगला लगा हुआ है लोहे का जंगला पहाड़ी के नीचे, यहाँ पे हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा का खैमा था यहाँ पे सामने, वो भी इस जंग में शामिल थी, जो नीचे जंगला बना हुआ है ये सारे बंद की हुई जगह, यहाँ देखिए कोई भी बस नहीं यहाँ पे मना करते, यहाँ पे रुकना भी मना करते हैं, और जिस जगह पे अभी ये हमारी जबल सिला पहाड़ का नाम है, इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे मस्जिद नबवी है, साथ पीछे इसके पीछे बिल्कुल मस्जिद नबवी है, और यहाँ पे सीधा हाथ पे यहाँ मुसलमान का लश्कर था या उल्टे हाथ पे कुफार का लश्कर था, और यहाँ पर उनका घर था हजरत अब्दुल बिन जाबिर बिन व्हाइट कलर की बना हुआ ना दीवार है ये वाली, यहाँ पे हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर का यहाँ पे घर था जहाँ पे दावत की गई थी, ये पहाड़ के ऊपर अभी भी आपको कुछ पत्थरों से बने हुए कुछ नजर आएंगे ऊपर ऊपर जो बनाए थे, और दूसरा इन्होंने हमें यहाँ पे स्टे कराया था, ये थी दो गुम्बद वाली मस्जिद, दो गुम्बद वाली मस्जिद थी, यहाँ पे भी इन्होंने हमें टाइम दिया था कि आप जाके नवाफिल अदा करके तो यहाँ से जो है वो वापस आ जाएंगे, तो दो गुम्बद वाली मस्जिद है यहाँ पे जो उनसे है वो ना खाना काबा का जो वो है ना रुख उसको चेंज किया गया था, तो इस वाली मस्जिद है यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग पे लिफ्ट लगाई ऊपर जाने के लिए कि भाई नहीं भी लोगों से चढ़ा जाता, पता नहीं क्यों ये ऊंचाई पे क्यों है मस्जिद में, तो मुझे समझ वो भी हैं थे लेकिन ये ज़्यादा ही ऊपर जाके इन्होंने वो दिया हुआ, शायद ऊपर लेडीज़ होंगी मे भी नीचे आदमियों का वो उन्होंने रखा हुआ हो, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, यहाँ पे दो रकात नमाज़ें नवाफिल जो उनसे वो अदा करेंगे और उसके बाद दोबारा से वापस अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ पे खड़े होके अभी हम लोग आए थे वहाँ से वापसी पे, तो यहाँ पे जो खजूरों की मार्केट है वो रस्ते में आती है, वहाँ पे इन्होंने स्टे किया था कि भाई जिन्होंने जिन्होंने भी खजूरें लेनी है वो यहाँ से खजूरें ले सकते हैं, ठीक है, तो मैंने तो ये वाली चप्पल पहनी तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल थी मेरे लिए, सो ये मेरे साथ जो पिंक स्टॉलर वाली अपी हैं ये भी साथ थी मेरे, अंदर हम एंटर हुए थे खजूरों की मार्केट में, मदीने में कहते हैं खजूरें सस्ती हैं पर कोई सस्ती सस्ती नहीं यहाँ पे, मतलब 35 से हाल के अजवा किलो दे रहे थे, कोई 40 की दे रहा था, तो लाइक समथिंग इस तरह था, तो मम्मा ने मुझे कहा था आप दो तीन तरह के बस खजूरें ले आना ज़्यादा ना लेके आना, फिर भी मुझे था कि भाई जानने वाले मिलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और मम्मा ने कहा था कोई सूखी खजूर होती है समथिंग लाइक वो ले लो ले लेना, तो मैंने वो ले ली सूखी खजूर वहाँ से, और देन मैं जोन सा वो मूव कर गई, मैंने अजवा जोन सा वो कहा हुआ था वो मुझे अजवा जोन सी वो खुद ही आ जानी थी, जहाँ से भी अच्छी मिलनी थी वो मुझे वो आ जानी थी, तो फिर मैंने ये वाली खजूर ले ली, और पहले से मैंने जो है वो पापा ने जो खजूर कहा था मुझे कौन से सुखरी वो मैंने मक्का से ही वो ना ले ली हुई थी, चॉकलेट वाली खजूर मेरी बहन ने कहा था वो मैंने वहाँ से ले ली हुई थी, तो डन जोन है वो मैं आके अपनी सीट पे यहाँ यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत दोबारा शहीद हुए, यहाँ पे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमदा शहीद हुए, और यहाँ पे हमारे 70 सहाबा किराम शहीद हुए, जो जंग एक हिंदा नामी औरत थी जो कि गज़वे बदर में उसके भाई को और बाप को हजरत सैयद अमीर हमदा ने कत्ल किया था, उसका बदला लेने के लिए वो इस जंग में शामिल हुई, उसका एक हबशी गुलाम था उसे उसने कहा कि अगर तुम इस जंग में हजरत सैयद अमीर हमदा को शहीद करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, उस हबशी गुलाम ने जंग के दौरान चुपके से वार किया, हजरत सैयद अमीर हमदा को शहीद किया, उनके 18 टुकड़े किए, उनके कान काट दिए, उनका नाक काट दिया और उनका कलेजा असीना चाक किया और अंदर से कलेजा मुबारक निकाल के उस हिंदा नामी औरत को दे दिया, उस हिंदा नामी औरत ने कलेजा चबाने की कोशिश की चबा नहीं सकी,
हिंदानामी औरत जो है अबू सुफियान की बीवी थी, अबू सुफियान कुफार के जो लीडर थे, कुफार के जो लीडर थे वो बाद में मुसलमान तो हो गए, लेकिन अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमने मेरे साथ पूरी जिंदगी मेरे सामने नहीं आना। तो वहां पर छोटी पहाड़ी है जब रुमात, जिसके ऊपर 50 तीर अंदाज तैनात किए गए थे, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की कि हमें फतह हो या शिकस्त हो, आपने अपने मोर्चे नहीं छोड़ने, अपने जगह नहीं छोड़नी, नीचे नहीं उतरना। जब पहले मरले में मुसलमानों को फतह हुई तो सहाबा कराम ये समझे कि हमें फतह हो गई है, बगैर पूछे अपने मोर्चे छोड़कर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए जब नीचे उतरे, पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने पीछे से हमला करके हमारे सहाबा कराम को शहीद कर दिया। सहाबा कराम नाम फरमाया है यहाँ पे तीन सहाबा कराम की इकट्ठी कब्र मुबारक है, हजरत सैयद अमीर हमदा, हजरत मसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जैश, ये तीन सहाबा कराम की इकट्ठी कब्र मुबारक है। और उसके अंदर चार दीवारी और है, उसके अंदर 67 सहाबा कराम नाम फरमाया है वहाँ पे। हजरत मसअब बिन उमैर वो सहाबी थे जिनकी शक्ल जो थी वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मिलती जुलती थी। जब जंग के दौरान जब वो शहीद हुए तो सहाबी सहाबा कराम ये समझे कि शायद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत हमारा शहीद हुए, जख्मी हुए, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। करीब से देखिए पहाड़ ये जन्नती पहाड़ है, इस मोहब्बत की निगाह से देखिएगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। नबी पाक फरमाया दुनिया में भी मेरे घर के सामने होगा, जन्नत में भी तो मेरे घर के सामने ही होगा। अभी भी रोजा हमारे सामने बिल्कुल पहाड़ है, वहाँ से बिल्कुल सामने दिखता है, सामने से दिखता है, और जन्नत में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने ही होगा। ये पहाड़ जन्नती पहाड़ है जबल अहद। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जख्मी हुए तो इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए, इस पहाड़ के ऊपर एक कट लग गया, एक दरार आ गई, एक गार सी बन गई, जहाँ पे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर आराम फरमाया था। जंग के बाद जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहदा को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ जाने लगे तो ये ओहद पहाड़ हिलना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद को कहा, ऐ ओहद रुक जाओ, तुम क्या चाहते हो? ओहद ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शहदा को मेरे दामन में रहने दे, मैं तह क़यामत तक इनकी ज़ियारत करता रहूँगा, इन पर सलाम पेश करता रहूँगा। तुम्हारा यहाँ पे आने का जो मकसद है, फिर जो मेरे साथ रूम में थी उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम लोग ना चलते हैं ना मॉल के अंदर, तुम भी कुछ, तुमने जो लेना हो तुम ले लेना, ना जो कुछ कोई मैंने लेना होगा मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पाँव के अंदर मुझसे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि चल चल के मेरे पाँव की जो वेंस थी वो क्लैप्स कर दी हुई थी आपस के अंदर, जो पाँव का अंगूठा होता ना थम उसके पास जो राइट पाँव का था, मैं लंगड़ा के तकरीबन चल रही थी कि मतलब इतनी ज़्यादा मुझे जो उनसे वो वहाँ पर पेन हो रही थी। और यहाँ पर ऐसे लाइनें लगी हुई थी काउंटर के पीछे, ऐसे फ्री में लोग चीज़ें लेके जा रहे हूँ, ऐसे हिसाब था। तो मतलब मेरे ना, मैंने यहाँ से चीज़ें ली, आप ही ने भी ली, फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई यहाँ से चलते हैं, सामने एक और मॉल है वो कहते हैं वहाँ पर भी चलते हैं, मैं कहा चलो जाना ही है, ओके नो प्रॉब्लम, चले जाते हैं। मेरे से पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, पहले भी मुझे कहती मैं चल के गई थी, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, फिर उन्होंने कहा कि चलो टैक्सी लेते हैं, वो सामने मॉल था, तो मैं फिर दोबारा से आई हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने काउंटर पर चीज़ें दी और दोबारा से ऊपर जो हम लोग वहाँ पर चीज़ें लेने चले गए। मैं जाके ऊपर एक जगह बैठ गई, मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं लेना, अगर आपको कोई अच्छा लगेगा मुझे बता देना, फिर मैं देख लूँगी, आप यहीं पे ले आना, मैं अब दोबारा उठ के इतना घूम फिर नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो उनसे टांगे वो जवाब दे रही हैं, जवाब देना जिसको पक्का कहते हैं ना, लाइक मेरे पाँव ऐसे क्लैप्स। यहाँ से आई थी मैं एक परफ्यूम पता करने, तो मैं परफ्यूम मुझे मिली नहीं, मैं 5-6 साल से ढूंढ रही हूँ सी स्टाइल ग्रे मैन में, वो मुझे मिलती नहीं है। बस मैंने जो मैंने जिसकी देखी थी वो सऊदीया से ही आई थी, तो यहाँ पे मिली नहीं, ज़्यादा मैंने पता भी नहीं की, एक दो ये दो तीन मॉल से ही मैंने बस पता की थी। तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे थक चुकी थी और मैं लंगड़ा के चल रही थी, क्योंकि मुझे ना पेन ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पर तोबा याला, सूट की प्राइजेस इतनी हाई, और फजूल डिज़ाइन और इतने महंगे, तोबा इन्होंने, मैंने कहा पता नहीं इन्होंने कौन सी आग लगाई हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई थी।
पर्स थे तो इनको आग लगी हुई थी। इतने ज़्यादा इतने इतने ज़्यादा महंगे पर्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में 5,000-5,000 रुपये में जूलर होते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपये के थे वो। मैं कहा सही है भाई सही, हमें तो भी ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्या करने के लिए ले। तो वेल जो उनसे मैंने जो लेना था मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ था, तो यहाँ से तो आप ही नहीं देखना था, यहाँ से इन्होंने एक ट्राउजर टाइप ही लिया था बस और बैग। तो फिर यहाँ से अभी हम लोग जो उनसे वो मूव करेंगे, और जो है मैं यहाँ पे अब इन्होंने कुछ देखना होगा, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो कुछ नहीं लेना, इन्होंने भी देख दूख के निकल जाना। सो मैं जो उनसे अभी यहाँ से मैं इसको क्या कहते हैं मूव करूँगी। तो अल्लाह करके ये पसंद आया आया था तो जब मैंने देखा था 195 इतने सारी आइसक्रीम और चीज़ें खा लेनी, इतनी महंगी चीज़ें बता रही। तो वहाँ से हम लोग वापस आए और फिर हम लोगों का था प्लान के भी हम लोग अब चाय पी ली। यहाँ से कड़क चाय 5 रियाल की मिलती है, वैसे 3 रियाल की चाय मिलती है, लेकिन ये जी यहाँ पे दूध की बना के देते हैं चाय, उसकी नहीं बना के देते, एवरी डे की नहीं बना के देते तो टाइम लेगा, ये 5 रियाल की चाय है। मैं चलो भाई हद होगी इन लोगों की भी, तौबा है से हम बहुत ही लूटते हैं ये लोग। तो ये जहाँ पे चाय बनाएंगे वहाँ पे बैठ के हम चाय पियेंगे, उसके बाद मैं वहाँ से वापस जाऊँगी अपने रूम में। और कल जो उनसे है वो मैंने जाना है मक्का दोबारा वापस अलविदा तवाफ़ करने के लिए, क्योंकि आते हुए मैं अलविदा तवाफ़ नहीं करके आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था लाइक यार मैंने अलविदा तवाफ़ नहीं किया। और यहाँ से मैंने ये ओरियो वाला एक केक ले लिया था साथ। तो यहाँ पे सामने जो उनसे है पार्क वगैरह बना लोग का, यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत, तो ये मस्जिद ना जो है बिलाल उसके राइट, एक मिनट, लेफ्ट साइड के बताएँ राइट साइड पे। तो मैं आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।